स्वागत है पर ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रमीत और अब हम चेकआउट करेंगे द जोंटिस 350E और ये एक मैक्सी स्कूटर है जैसे कि आप देख सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी मैक्सी स्कूटर है। यहाँ पे चारों तरफ भीड़ खड़ी है और आप इसको देखिए एक बार स्कूटर की जो ओवरऑल साइज है उसको एक बार आप देख सकते हैं एंड चालू करते हैं। सामने की तरफ से तो आपको मिलता है यहाँ पे ये विंडस्क्रीन जो कि एडजस्टेबल है। नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पे आपको हेडलाइट यूनिट मिलेगा जिसमें आपको प्रोजेक्टर्स मिलने वाली है तीन, वो भी एक साइड पे तीन है, इस साइड पे भी तीन है एंड DRL की बात करें तो यहाँ नीचे की तरफ आपको DRL मिलेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे ये एरो एक्शन भी दिया गया है, आपको देख सकते हैं ABS की बैच तो आपको यहाँ पे मिल ही गई है। अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको, डिस्क ब्रेक मिलता है आगे तरफ, ये कुछ आपको स्टिकर्स मिलेंगे जो कि इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा है। आई थिंक दीज आर द इंडिकेटर्स, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे इंडिकेटर्स मौजूद हैं। जोंटिस की बैजिंग मिलने वाली है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच गियर क्वालिटी इसका, कितनी सारी स्विच गियर क्वालिटी दी गई है। नकल गार्ड दिया गया है आपको और ये पीछे के डिस्क ब्रेक के लिए है। बहुत ही बड़ा हैंडल बार दिया गया और यहाँ पे एक फुल 7 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा आपको। ये इस साइड की स्विच गियर क्वालिटी एंड यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ब्रेक और एडजस्टेबल दोनों ब्रेक लीवर जो है एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। फ्लोर बोर्ड की बात करें तो ये देख सकते हैं फ्लोर बोर्ड जो है ऑब्वियसली फ्लैट नहीं है। जोंटिस की आपको वहाँ पे बैजिंग मिल जाती है एंड सीट बहुत ही बड़ा है। एक बार हाथ रख के दिखाता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि सीट का साइज बहुत ही अच्छा और बड़ा है और कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको पिलिन के लिए भी एक पैसेंजर के लिए जो ड्राइवर है उसके लिए आपको यहाँ पे बैक रेस्ट मिलने वाला है तो आपको सीट जो है मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैब रेल्स मिलने वाले हैं, बड़े ग्रैब रेल्स हैं। पीछे की सीट भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और चौड़ी होने वाली है। एक बार हाथ रख के आपको पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ और ये है इसका एग्जॉस्ट। पीछे की तरफ का सेक्शन में आपको ये LED टेल लाइट मिलने वाली है, ड्यूअल सस्पेंशन एंड स्पेसिफिकेशंस की बात करूं मैं तो ये एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन होता है दैट इज 49cc। पावर की बात करें तो इट हैज 36.2 bhp एंड 38 nm बेल्ट ड्राइव मिलने वाला है आपको इसमें। टोटल वेट इज 198 kg। 16 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाला है तो मतलब आपको ब्रेक्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फ्रंट फोक है, USD फोक मिलेंगे आपको सामने की तरफ एंड मोनोशॉक मिलेगा पीछे की तरफ। फ्रंट में एक डिस्क ब्रेक है, पीछे एक डिस्क ब्रेक है, ड्यूअल चैनल ABS के साथ। फ्रंट टायर का जो साइज़ है वो है 120x70x15, तो 15 इंच का अलॉय व्हील सामने मिलने वाला है और 140x70x14, तो 14 इंच का अलॉय व्हील जो है आपको पीछे मिलने वाला है। सो जी हाँ, दिस वॉज द जोंटिस 350E एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं प्रमोद साइन आउट करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।